हाय। सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ये पकौड़ी था और रोटी था, देखो सूख गया है यार, एकदम टाइट हो गया है। स्कूटी भी ऑन है तभी से, याद काम ही नहीं कर रहा है ऐसे। फाइनली हम लोग आ गए गोदौलिया चौक पे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सामान करने के लिए। और ये जो रास्ता जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे सब। मैं आप लोग को कैसा लगता हूँ, फनी लगता हूँ या रूडली लगता हूँ, ये बताओ आप लोग, कमेंट करके बताना मुझे। और सामने ये खूबसूरत सा देखोगे आप, महादेव जी हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा बहुत और घूमते हैं। और पता है तो इसलिए ये जो घाट है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इन सब चीजों के लिए। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों को खुश रखे। और आज है संडे और कल रात को बड़ा जल्दी सो गया यार, थोड़ा 11:30 बजे ही नींद आ गई। और आज मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी उठ भी गया हूँ, क्योंकि जल्दी सोया था, नींद पूरी हो गई है अचानक से। और अचानक से नींद अपने आप ही खुल गई है, पता नहीं टाइम क्या हो रहा है यार। चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज संडे है तो हम लोग कहीं घूमने भी जाएंगे, ठीक है? तो आज कुछ यूनिक होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पूरा दिन मैं क्या करता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ। तो आज मैं कहीं जाने वाला हूँ घूमने के लिए। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, बट हाँ आज कहीं जाएंगे घूमने के लिए। थोड़ा सा उठ लूँ, ब्रश कर लूँ, नहावा लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम देख रहा हूँ कितना टाइम हो रहा है, 7:55, यानी कि 8 बजने वाला है। जल्दी थोड़ी उठे हैं यार, ठीक है फिर भी। वैसे मेरी नींद पूरी हो गई है वो जल्दी से। तो और बताइए आप लोग। मैं तो सो के उठ गया हूँ, मेरी नींद पूरी हो गई सुबह। यार जब सो के उठो तो पूरी बॉडी दर्द करती है ना, आप लोग के भी शायद ऐसा होता है, ऐसा लगता है कोई पूरी बॉडी एकदम दबा के एकदम तोड़ ताड़ के सही कर दे, बस पेन ना हो। चलो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रश करूँगा और फ्रेश होऊंगा, ठीक है? मैं फटाक से फ्रेश होके आता हूँ, फिर चलेंगे साथ में ब्रश कर लें। तो उसके बाद आज गर्म पानी भी पीना है। आ रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। क्या है तो देखो, अभी मैं फ्रेश फ्रेश होके आ गया हूँ यहाँ पे। मैं अपना कैमरा चार्ज में लगाया था, अभी चार्ज से निकाला हूँ। और चलो आ जाओ, थोड़ा सा आज गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ गर्म पाना मैं बोल रहा हूँ, गर्म पानी। रुक जाओ अभी मैं बताता हूँ आपको। यार मैं अभी सुबह सुबह आवाज़ थोड़ी सी कम निकलती है ना। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको, रोज सुबह उठ के आप लोग थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन करिए, जिससे आपका जो पेट है वो हमेशा साफ रहेगा और बॉडी में जो भी कचड़ा होता है, बेकार की चीज़ें होती हैं, सब कुछ बॉडी डीऑक्सीडाइज, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा, पूरी बॉडी अभी क्लीन हो जाएगी। और अगर आपके फेस वेस पे पिंपल वगैरह, वैसे मेरे पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फेस पे पिंपल वगैरह निकलता है या स्किन डैमेज होती रहती है आपकी, तो गर्म पानी रोज सुबह उठ के पियो, सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो मुझे ये चीज़ पता लगी, मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी वीडियोस आप लोग देखते हो तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो मेरी पास जितना नॉलेज है मैं सब कुछ आपको अपने साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है? चल ये भी गर्म होने वाला है, हो ही गया है गर्म। मैं मग्गा कहाँ रखा था रात को यार, लग रहा है मेरे रूम में ही पड़ा होगा। देखो यहाँ पर रखा हूँ, मैं रात को पिया था ना पानी, तो वहीं पर रख दिया था इसको। वैसे लग रहा है कि आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव लग रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश होने के बाद मैं बड़ा लेजी लेजी सा रहता था, ब्रश करते थे फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, बट आज थोड़ा सा पहले ही सो गया था ना शाम के टाइम, रात को मुझे लग रहा है कि 11:30 तक मैं सो गया था, तो इसलिए उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जल्दी उठ गया हूँ और सारा काम भी अपना कर रहा हूँ। चलो एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग को ये बतानी थी कि आज तो है संडे और आज स्कूटी भी हमारे पास रहेगी, तो आज हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए। मैं किसी ने मुझसे बोला कि रोज रोज आप 80 घाट क्यों जाते हो घूमने के लिए, तो मैं बोला कि यार वहाँ पे 80 घाट थोड़ा सा शांति मिलता है,
खाली खाली एरिया रहता है तो अच्छा लगता है वहाँ पे। तो उसने बोला कि जब नहीं जाना है तो वीडियोस भी बनानी है आपको, तो रोज़ रोज नए घाटों पे जाओ, नया एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें देखो। मम्मी बोला यार सही कह रही हो, जाना तो उतना ही, मतलब पेट्रोल उतना ही लगेगा, सारी चीज़ें उतनी ही लगेंगी, तो क्यों ना हम एक नया नया चीज़ रोज़ रोज़ एक्सप्लोर, मतलब जब भी मैं जाता हूँ बाहर घूमने के लिए तो एक नई चीज़ एक्सप्लोर किया जाए, एक नई चीज़ आप लोग को दिखाई जाए और मैं भी देखूँ, मैं भी एक्सपीरियंस करूँ। तो आज मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे किस प्लेस पर जाना है घूमने के लिए, तो इस वीडियो में आप लोग को वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल मैं ये पानी वानी अपना पी लेता हूँ और थोड़ा ब्रश व्रश भी करूँगा। ब्रश व्रश करने के बाद मैं नहाऊँगा। मैं 2 दिन से नहीं नहाया हूँ, क्योंकि उस दिन तो मैं नहा लिया था जिस दिन अंकल जी के जाना था, बट अचानक से अंकल जी ने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं गया नहीं उनके पास। अगले दिन मैं नहीं नहाया था, कल भी मैं नहीं नहाया था, क्योंकि अपना काम ही करने में व्यस्त हो गया था। आप लोग वीडियो देखोगे तो पता लगेगा आप लोग को। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है नहाने के लिए, बट टाइम मिलता है, बट काम करते करते इंसान थोड़ा सा लेजी फील होने लगता है, अजीब सा लगने लगता है, तो सोचते हैं कि चलो काम कंप्लीट करके फिर उसके बाद कुछ करते हैं, तो काम कंप्लीट करते करते फिर नींद आने लगती है, फिर नहाने का भी मन नहीं करता है, फिर मैं सो जाता हूँ। वैसे बहुत आवाज़ आ रही है यार, सो जाता हूँ, फिर शाम हो जाती है, शाम के बाद कौन नहाने जाएगा, सोना ही है फिर, तो इसलिए मैं नहाया नहीं। लेकिन आज मैं नहाऊँगा फटाक से, भी ब्रश वश करके तुरंत जाके नहाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, और उसके बाद देखते हैं कि आज की प्लानिंग क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लैपटॉप अपना काम चल रहा है, बेचारा रात से ही वैसे चल रहा है। एक चीज़ है, मैं डेल का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, 5480 कुछ ऐसा उसका मॉडल नंबर है, बहुत ही परफेक्ट लैपटॉप है एडिटिंग के लिए भी। कभी होता है ना कि एडिटिंग करते टाइम स्क्रीन फ्लैक्चुएट करने लगती है, कभी कभी रैम फंसने लगता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये लैपटॉप मुझे यूज़ करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हाँ मेरे काम लायक था, और मैं जिस रिकॉर्डिंग उसको यूज़ करता हूँ उस रिकॉर्डिंग ये चलता भी है, तो वही चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि इंसान अगर कोई, मैं फ़ोन ही लिया हूँ और फ़ोन को मैं खोलूँ नंबर मिलाने के लिए, फिर गूगल खोलने के लिए, क्रोम यूज़ करने के लिए, तो टैप करने के 10 मिनट बाद खुलता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वैसे फ़ोन का भी मेरे रैम सही है, 6 GB फ़ोन का रैम है, उसका 16 GB है, तो अच्छा रहता है, तो काफ़ी फास्ट काम करता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। डेल का लैपटॉप है, और वैसे भी डेल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही जेन्युइन होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और डेल के कंपनी में बहुत सारे आपको फीचर्स भी मिलते हैं, तो उसके बारे में अगर कभी आप लोग को जानना होगा तो बताना, मैं अपना बताऊंगा जो भी मुझे पता है। वैसे डेल का लैपटॉप मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि मैंने यूज किया है तो मुझे पता है। चलो ये पानी भी ठंडा हो रहा है, लोग से बात कर रहा था तभी से, हाँ ठीक है, मैं पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद उठता हूँ, फिर चलता हूँ, ब्रश करते हैं हम लोग, ब्रश करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगा, ठीक है। चलो जी, पानी वानी भी पी लिया मैं, चलो जी, एक बार फिर से आप सभी लोगों को हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा अपनी बनाए रखे, और आप सब लोग खुश रहो अपने ज़िंदगी में, और मैं भी खुश रहूँ। और इसी के साथ देखो आज धूप हुआ है बहुत तगड़ा वाला, जैसे ही मैं बोला हूँ ना कि आज मुझे बाहर चलेंगे हम लोग घूमने के लिए, वैसे ही देखो इतना ज़्यादा धूप हो गया है। वैसे अभी मैं नीचे भी जाऊँगा, क्योंकि ये देखो खाना रखा हुआ है, तो वो गाय को खिलाना पड़ेगा, रोज़ रोज़ खिलाना पड़ता है, जब तक पितरपा ख़त्म ना हो जाए तब तक खिलाना पड़ेगा। तो अभी मैं ब्रश कर लेता हूँ पहले ये अपना, उसके बाद हम लोग चलेंगे गाय को खिलाने। कल तो यार पता है कल बनी थी खिचड़ी, तो खिचड़ी बनी थी तो मैं सोचा कि उसको कैसे मैं खिलाऊंगा गाय को, क्योंकि खिचड़ी तो नॉर्मल होती है चावल दाल जैसी ना, रोटी उठ जाता तो खा लेती है गाय। बट उसको एक पॉलिथीन पे लेके मैं गया था नीचे, और ऐसे हाथ से उसको दिया ऐसे ना, मतलब खाने के लिए, तो मेरे हाथ से ही लेके खा ली बेचारी, बहुत अच्छा लगा। आज भी चलते हैं खिला देंगे किसी ना किसी को, पहले उससे पहले मैं ये ब्रश कर लेता हूँ, ठीक है, आ जा। हाय, मैं आप लोग को कैसा लगता हूँ, फनी लगता हूँ या रूडली लगता हूँ, ये बताओ आप लोग, कमेंट करके बताना मुझे। वैसे लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए, इतना मैं आप लोग से कहूँगा, सबसे मैं बोलता रहता हूँ। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, अभी मैं इस हाथ से मैं ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अभी इस हाथ से ट्राई करते हैं। अबे हाथ ही नहीं हिल रहा है, तो ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है ऐसे। वैसे एक चीज़ है, प्रैक्टिस अगर बनाऊँगा ना तो 10-15 दिन में प्रैक्टिस भी इस हाथ से भी बन जाएगा, बट क्या है कि कोई कोशिश ही नहीं करता है, जो राइट हैंड है वो राइट हैंड से ही करता है, जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड से ही करता है, बट चलो हम लोग कोशिश करेंगे इस हाथ को भी एक्टिव करने का। वैसे लग रहा है कि अभी भी एक्टिव हो गया, थोड़ा सा ध्यान दिया हूँ तो। बहुत ज़्यादा हो गया ब्रश नहीं करते दांत भी हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना, ब्रश करते करते।
आजा मुँह पोछते हैं। मौसम देखो यार, धूप से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम में थोड़ी सी लाइट की कमी है, लाइट थोड़ा सा डिम है। ये एक ही बल्ब लगा हुआ है, उसी से मैं काम चला देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग को कटिंग करना होता है तो थोड़ा लाइट और ज़्यादा चाहिए होती है। वैसे वीडियो क्लियर आएगी कम से कम। चलो वो भी कर लिया जाएगा। अब मैंने ब्रश तो कर लिया, अब मैं क्या करूँ। मम्मी से बोल देता हूँ तो चाय बनाएगी, और वो हम लोग तो फिर गाय को खिला के आते हैं। ठीक है, कहती चाय बनेबू कि बना दे ले वो। हाँ साइकिल धोए के पड़ी ना। चलो आओ तो रुक जा। चलो ये तो पौड़ी था और रोटी था, देखो सूख गया है यार, एकदम टाइट हो गया है। चलो इसको खिला देते हैं गाय को, उसके बाद फिर आते हैं तो चाय पीते। चलो ये किया क्या माओ तनी, आप लोग को पता है एक चीज़। चलो ये खुला है तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे, पहले इस वाले रूम में, पहले यहाँ मैं सोता था। लाइट ऑन कर, लाइट तो होगा ही नहीं, सब बल्ब वो निकाल लिया इसका। पहले यहाँ पे मैं सोता था, यहाँ पे काम करता था, और इधर बालकनी थी। कोई दरवाज़ा खोला है, इधर भैया और मम्मी सोते थे। वैसे देखो ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, ये हम इस अब हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए, और ये वाला बंद रहता है हमेशा। तो आज खोला है तो सोचा कि आप लोग को भी दिखा दे। सबसे फर्स्ट टाइम जब आए थे तो उसी वाले रूम में थे। कल तो हाथ से मेरे खा ली थी, आज भी हाथ से ही खिलाऊंगा, देखते हैं बेचारी खाती है कि नहीं। वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने सुना है जहाँ तक कि घर पे आप लोग अगर काले रंग का जो गाय होती हैं उसको रखोगे तो बड़ा शुभ माना जाता है, स्पेशली काले रंग की गाय। देखो यहाँ पे दो ठे हैं, एक छोटा बच्चा है और एक गाय है। किसको खिलाऊं? हाँ छोटे बच्चे को ही खिलाते हैं। जय हो गौ माता। चलो खा ली है अभी। वैसे पता है रोटी के बीच में पकौड़ी था, पकौड़ी थोड़ा सा तीखा होगा, पता नहीं बेचारी को प्रॉब्लम ना हो जाए। चलो अब चलते हैं और चाय वाय का इंतज़ाम करते हैं। ठीक है, ब्रश भी कर लिए, गर्म पानी भी पी लिए, अब चाय पीते हैं। और चाय पीने के साथ साथ मैं थोड़ा सा बात। और अंकल जी ठीक है? यहाँ पर मैं पानी भी चला दूँ और चाय का इंतज़ाम करते हैं। चाय लेबो कि नहीं बताओ? हाँ का भाई लला तो ये हमारा ज़्यादा ऊपर कर दिए थे क्या? ये हमारा जो चाय भी बन के रेडी हो गया है और मैं चाय पी लूँ। सुबह सुबह वैसे अदरक और नींबू वाला चाय पीता हूँ, मज़ा आता है। दूध वाला कम पीता हूँ, बाहर कहीं जाता हूँ मिलता है तो पी लेता हूँ, वरना ये ब्लैक वाला ही चलता है। तो चलो अब मैं चाय वाय पी लेता हूँ। पानी भी बाथरूम में मैं चला दिया हूँ, पानी भी भर चुका है। अब मैं चाय वाय पी के जाता हूँ, फटाक से नहा के आता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डेली रूटीन है। सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश होने के बाद गर्म पानी पियो, ब्रश करो, फिर चाय पियो और फिर नहाओ। तो इतना मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है यार, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, काला काला आ रहा है ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो मैं सोचा कि झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था मुझे कहीं कहीं। वो बारिश वारिश पड़ी थी उस टाइम, तो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे आ गए थे, वो सब गिरे हुए थे, इसमें चींटी लग रही थी। तो सोचा किसको झाड़ू लगा दूँ, है ना। यहाँ पर करा, यहीं पर रुके रहना आप लोग। पता है आप लोग को, ये देखो ऊपर पंखा चल रहा है और मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। पंखा बंद करना तो भूल ही गया था, पंखा बंद नहीं करूँगा, सब कुछ झाड़ू मारूंगा, उड़ जाएगा इसी में। मैं भी कितना पागल हूँ।
तो भाई साहब देखो ये 98% मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और मैं नहावा के एकदम रेडी हो गया हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अगर आज संडे है यार, देखो कुत्ते चिल्ला रहे हैं सब बाहर, आवाज़ आ रही है उनकी, वैसे ही चिल्लाते रहते हैं पूरी रात वो सब, पता नहीं किस माइंड के हैं ये सब, पता नहीं उनको क्या लग जाता है कि भोंकने में मज़ा आता है कि क्या होता है, बिना मतलब के चिल्लाते रहते हैं। चलो वो सब बात छोड़ो, फिलहाल मैं नहा लिया हूँ, नहावा के रेडी हो गया हूँ, मेरा खाना भी आ गया है, ये सारी चीज़ें खा लेता हूँ और उसके बाद वीडियो में एक्सपोर्ट रहते हैं तो इसको अपलोड पे लगाऊंगा, अपलोड पे लगा के फिर हम लोग चलेंगे कहीं घूमने। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग घूमने कहीं जाएं तो देखो, वैसे तो मैं रोज़ अस्सी घाट जो है शाम को जाता ही रहता हूँ, मतलब रोज़ रोज़ नहीं, दो चार दिन पे जब भी जाता हूँ आप लोग को देखने को मिलता है। फिलहाल देखो ये वीडियो भी एक्सपोर्ट हो गई। सोचिए अगर कोई इंसान अपने दिमाग का, देखो ये जो मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, मतलब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद ये वाली वीडियो जो आप लोग देखोगे तो उसमें मैं दिखाया था आप लोगों को दिमाग का 100% यूज़ कैसे करते हैं, वो भी आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसमें मैं बताया था। तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में पहली बार की एक ठो चर्च है, कैंट स्टेशन से जब आगे जाओगे तो उधर एक ठो चर्च है, लेकिन वहाँ पे पता लगा है बात करने के बाद कि वहाँ पे शो चलता है 5 बजे से 8 बजे शाम रात तक, तो मैं 5 बजे तक वहाँ पे तो रुक नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम एक ये भी है कि आज संडे है, भैया भी घर पे है, मैं भी घर पे हूँ, तो भैया ने मुझसे बोला है कि आज मतलब वो भी कहीं घूमने के लिए जाएंगे शाम को 5 बजे करीब, तो 5 बजे तक मुझे अपने घर पे आना होगा स्कूटी लेके, क्योंकि वो शाम को स्कूटी से ही जाएंगे कहीं घूमने के लिए, और वैसे भी सारा दिन वो जाते हैं कोचिंग वोचिंग है तो अपना बिजी रह जाते हैं, संडे को उनको भी टाइम मिलता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी खाना वाना खा के कुछ देर बाद हम लोग निकल जाएँ कहीं घूमने के लिए और घूम फिर के आएँ। तो वो चर्च वाली मैं पता किया हूँ, तो वहाँ पे पता चला है कि वो नॉर्मल चर्च है, उसमें ईसा मसीह के बारे में पूरी उनकी जीवन परिचय दी गई है, सब कुछ दिखाई गई है उसमें, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जगह बहुत ही अल्टीमेट है, मैं बाहर से ही देखा था वो चर्च, मुझे बहुत प्यारा लगा, मेरा मन हुआ कि मैं इसमें चला घूमने के लिए, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं उस टाइम नहीं जा पाया उसके अंदर घूमने के लिए, तो मैं सोचा हूँ आज जाने के लिए। बट देखो प्रॉब्लम एक ये भी है कि वो काफ़ी दूर भी है, और जो मेन चीज़ जो उसका शो है वो 5 बजे से स्टार्ट होता है, 5 बजे से 8 बजे रात तक, तो वो चीज़ हम मिस कर देंगे, देख ही नहीं पाएंगे आज, तो इस वजह से मैं उसको कैंसिल कर दिया हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अस्सी घाट का जो है पानी वानी का जो बहुत ज़्यादा अस्तर गंगा जी का बड़ा हुआ था वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि सारा जो घाट है वो खुल गया हो, तो क्यों ना हम अस्सी घाट ही चले और वहाँ से सारे घाट घूमते घूमते मतलब जहाँ तक भी घूम सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग घूमा जाए, आप लोग को दिखाएं। और अगर हम स्पेशली किसी घाट पर जाते हैं, मणिकर्णिका घाट हो चाहे दशाश्वमेध घाट हो चाहे काशी विश्वनाथ टेम्पल हो, इधर से जाने पे प्रॉब्लम ये होती है कि गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती है मुझे बहुत अच्छे से, मैं गाड़ी को पार्क अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, और इधर से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मेन रास्ता होता है, उधर से जाने में भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है मुझे, तो इस वजह से मैं इस साइड से नहीं जाना चाहता हूँ। अस्सी घाट वाला रूट मुझे एकदम सही पड़ता है, अस्सी घाट चला जाऊँ वहाँ से फिर पूरे घाट पर मैं घूम सकता हूँ, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि घाट अगर पूरा खुला है कि नहीं खुला है ये भी मुझे अच्छे तरीके से पता नहीं है, तो मेरे माइंड में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ हम लोग चले घूमने के लिए, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, अभी कुछ फिक्स नहीं किया हूँ, खाना वाना खा रहा हूँ, अभी खाऊंगा खाना, खाना खाते खाते कुछ डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, फिर हम लोग चलेंगे जहाँ घूमने के लिए, फिर आप लोग भी चलना साथ में, ठीक है। इनफैक्ट अच्छी ही चीज़ हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में, कुछ अच्छा ही एक्सप्लोर करेंगे घूमेंगे, बट अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कुछ मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं अपना खाना वाना खा लेता हूँ, ये फिलहाल वीडियो भी एक्सपोर्ट होगी, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि आज ये वीडियो मेरी पब्लिश होगी शाम को 5 बजे करीब, सॉरी शाम को 4 बजे करीब, 4-5 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे, मैं कई बार वीडियोज़ में 4 बजे बोला हूँ और कई बार 5 बजे भी बोल दिया हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वीडियो 4 बजे आती है, आप लोग एक्टिव रहिएगा, हमेशा देखते रहिएगा वीडियोज़ को। तो चलो मैं खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। रोटी भी सूख गई है, आप लोग से बात करते करते, ऊपर फैन चल रहा है ना, कहे कि बस यही बंद कर दिया, हाँ बंद कर दिया, जब फ़ोन कर अभी वो तट है ऊपर, चलो ठीक है। तो भाई साहब देखो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और यहाँ पे अपलोडिंग मेरी वीडियो हो रही थी, तो ये देखो अभी 46% हुआ, अभी आधे घंटे टाइमिंग दिखा रहा है, तो मैं मम्मी को समझा दिया हूँ कि मैं जा रहा हूँ बाहर, जब फ़ोन करूँगा तो वो स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और लैपटॉप को वैसे भी वैसे शट डाउन वो तो कर नहीं पाएंगी, तो मम्मी कर नहीं पाएंगी, उनको पता नहीं है, बट वो फ्लिप कर देंगी तो वो स्लीप मोड में आ जाएगा, स्लीप मोड में रहता है तो बैटरी भी नहीं उतरती है, वहाँ जितना पे उतने पे रुका रहेगा, इसलिए मैं बोला हूँ कि स्विच ऑफ करके उसको स्लीप मोड में बंद कर देंगी तो वो बंद हो जाएगा, तो जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मेरे फ़ोन में शो कर देगा, मैं बाहर भी रहूँगा तो फ़ोन में दिख जाता है कि वीडियो अपलोड हो गई है, तो लैपटॉप में एडिट करके छोड़ दिया हूँ। अब चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर, मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं है मेरे माइंड में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बाहर चलते हैं फिर सोचते सोचते जहाँ डिसाइड करूँगा वहाँ मतलब जाऊँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, बाइक का मुझे चाबी लेना है, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है भाई साहब, तो सोच रहा हूँ चश्मा शायद स्कूटी में हो उसी को साफ़ ऑफ कर लेंगे, चश्मा तो वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट हाँ साफ़ कर लिया जाएगा उसको, पहले स्कूटी की चाबी लेते हैं,
आवाज़ हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। ये बगल में अंकल जी के यहाँ काम हो रहा था, जो सुबह मैं आप लोगों को रूम में दिखाया था ना जिसमें हम रहते थे, वहाँ पे लग रहा है कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए खट खट की पूरी आवाज़ आ रही है। चलो आ जाओ, देखते हैं मेरा चश्मा कहाँ स्कूटी में पड़ा होगा, बहुत गंदा हो गया होगा क्योंकि 15-20 दिन से मैं उसको छुआ नहीं हूँ ना कभी पहना हूँ उसको। पूरा सीट भी गंदा हो गया इसका, इसका सिस्टम देखो डिग्गी खोलने वाला, यहाँ से मैं लगवा दिया हूँ क्योंकि इसका वायर टूट गया था और वायर इसका जो है जल्दी मिल नहीं रहा था कहीं भी। और ये डिग्गी में पानी कहाँ से आ गया ये सब भाई साहब, पता नहीं किस चीज़ का पानी है, बताइए। अच्छा गैस के लिए, मम्मी बोल दो भैया गैस का तैयार बनो। रुक जाओ जी, ये चश्मा उसमें साफ करना पड़ेगा। हाँ तो गंदा हो गया यार ये तो। हाँ का अरे सही तो हमें पता चल गया कहाँ बात हो गया। हाँ तो ये सिलेंडर दे बा तो उतार रहा, क्या करेगी बड़ी, मतलब इसको रख ले और ये वाला आप ले लीजिए। ठीक है पेन रखे हैं ना, मम्मी पेन दे दा, रुक जाओ आप लोग थोड़ा समय ये काम कर लेता हूँ फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग। ठीक है भाई साहब, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप निकली है ना। चलो मैं वो जो काम था ना सिलेंडर वाला, ये भैया यहाँ पे खड़े सिलेंडर लेके, तो मैं भैया को दे दिया हूँ, बोला हूँ कि आप ही आके देखिए क्या करना है क्योंकि उनका साइन ऑन करना पड़ेगा, तो उनको मैं दे दिया हूँ कि आप साइन ऑन करिए अपना काम करिए, मैं निकल रहा हूँ, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है और पता है 1 बजने वाला है और वैसे भी उनको स्कूटी भी चाहिए होती है 5 बजे शाम को, तो कहाँ से इतना मैनेज कर पाऊंगा, मैं फटाक से निकल रहा हूँ, चलिए कहीं घूम घूम के आते हैं, थोड़ा सा धूप तो है। और पता है चश्मा मैं निकाला हूँ ना यार तो वो टूट गया है क्योंकि 15-20 दिन से उसी में मैं छोड़ रखा था उसे इसको, और मैं उसको पूछने लगा हूँ थोड़ा, मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल मतलब हाथ से इंसान पोछता है, मैं थोड़ा ज़्यादा जोर लगा दिया हूँ उस पर, टूट गया है थोड़ा सा, फिर मैं उसको डिग्गी में ही डाल दिया हूँ और बिना चश्मे के ही जा रहा हूँ। चलो आ जाओ, आज का सफ़र एंजॉय करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या साथ मेरे साथ होता है बाहर निकलने में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। वैसे धूप बहुत ज़्यादा हुआ है ना, आप लोग को देख के भी पता लग रहा होगा, बादल देख रहे हो कितना ज़्यादा, बादल भी वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है। भैया अंकल जी आराम से, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैं रास्ते में तो आप लोग से बात करते जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, रास्ते में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है पेपा का, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से मैं निकल तो लिया हूँ और निकल के, और देखो मुझे कुछ लोकेशन का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे इंजॉय ही करना है, थोड़ा बहुत घूमना ही फिरना है, तो मैं नई जगह पे जाना पसंद करूँगा, लेकिन आज नहीं क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं, मैं पहले जाता हूँ यहाँ से दुर्गा कुंड, और दुर्गा कुंड से फिर 80 वाला जो रास्ता है ना वहाँ से हम लोग होके, और हम लोग आज देखेंगे कि वहाँ का मतलब पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ घूमेंगे, मतलब किस घाट पे हम लोग जाएंगे। और क्या बताऊँ आपको, पता नहीं मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ यार, मुझे डिसीजन लेने में थोड़ी सी समस्या होती है, मैं एक होता है ना कि पहले से पता होता है इंसान को कि हाँ मुझे ये करना है, बट मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाता हूँ उसको लेके। बहुत सही, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके कि मतलब मैं क्या करूँ, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ 80 घाट क्योंकि मेरा वो फेवरेट प्लेस है और मैं हमेशा जाता हूँ वहीं पे, तो इसलिए मैं आज भी जा रहा हूँ 80 घाट, और आज दिन में जा रहा हूँ, रोज़ तो वैसे शाम को जाते हैं अंधेरा हो जाता है तो आरती वारती का टाइम होता है तो लोग बिजी रहते हैं उसी में, बट अभी मैं दिन में जा रहा हूँ, अभी शाम कह रहा हूँ सॉरी, 1 बज रहा है और जाते जाते तो 1:30 तो बज ही जाना है, आधे घंटे तो लग ही जाएंगे, आधे घंटे से ऊपर ही लग जाएंगे ट्रैफिक मिला मुझे तो। तो चलो आज डे का एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या कितना ज़्यादा क्राउड रहता है और कितने ज़्यादा लोग मिलते हैं वहाँ पे हमसे, और बस यही सब है और कुछ क्या कहना ही नहीं है आप लोग से, सारी चीज़ें तो मैं बक देता हूँ आप लोग के सामने जो भी मन में होता है। तो चलो रास्ते का एंजॉय करते हुए निकलते हैं, ठीक है वीडियो में बने रहना आप लोग। मैं तो मज़ा ले रहा हूँ यार आप लोग सोच रहे होगे कि ये घूमने में कौन सा मज़ा है, बट गाना सुन रहा हूँ, गाने को फील कर रहा हूँ। भाई साहब देखो अभी मैं आ गया हूँ रथ यात्रा पे, यह है रथ यात्रा, यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी मैं रुका हुआ है तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, ट्रैफिक लगा हुआ है तो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके निकल लें यहाँ से, और ये रास्ता हम लोग को लेके जाएगा 80 के लिए लंका के साइड में। धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, चश्मा तो लेके मतलब लिया हो तो टूट गया है और कुछ तो था नहीं मेरे पास, बट धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। मुझे ना यहाँ से शॉर्टकट मिल जाएगा क्योंकि ये वाला जो रास्ता है वो सुमेध घाट लेके चला जाएगा, सामने वाला रास्ता जो है ना
ये डायरेक्ट लेके चल जाएगा काशी विश्वनाथ भी अच्छू काशी काशी कॉरिडोर लेके चला जाएगा काशी विश्वनाथ, और ये वाला रास्ता जो मुझे लेके जाएगा लंका की साइड में। तो क्या करूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चले या फिर काशी घाट चले, माइंड काम नहीं कर रहा यार। चलो अस्सी के बारे में मैं जानता हूँ ना, वो मेरे लिए कम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि अस्सी घाट में बार बार गया हूँ, वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा रिलेट हो जाता है मेरे से, मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे पता है कौन सी क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जाने में मुझे अच्छा लगता है। जैसा सुमेट घाट में मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है वहाँ पे। एक्चुअली देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है ना कि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ पे, तो फ्रेंड वगैरह रहते हैं सब दोस्त रहते हैं तो अच्छा लगता है यार घूमने फिरने में, मज़ा आता है, कुछ वो बताता है कुछ मैं बताऊँ तो ऐसे घूमने में भी अच्छा लगता है। कोई फ्रेंड भी नहीं है तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता अकेले घूमने में यार, मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ मेरा जो मन करता है वो करूँ कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो चलो आज अपने मन की करते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज फिर से जाऊँ अस्सी घाट। वैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अस्सी घाट बार बार क्यों जाते हो, लेकिन यार पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा कोई है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं चलो चलते हैं अस्सी घाट, वहीं पे बैठेंगे और थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे, आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है चलो। तो भाई साहब देखो, मैंने तो आप लोग से बोल दिया कि मैं अपने मन की करता हूँ चलते हैं अस्सी घाट, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार पता नहीं क्यों। तो फिर मैं वहाँ से मुड़ के वापस आ गया हूँ, अभी मैं देखो सेम गोदेलिया पे, गोदेलिया चौराहा आगे पड़ेगा, तो मैं अभी जा रहा हूँ गोदेलिया। और आ जाओ आज जो आपको यहाँ का बनारस का जो सबसे बड़ा मार्केट होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जितना पूरे बनारस में भीड़ नहीं होता होगा वहाँ केवल गोदेलिया पे ही भीड़ होता होगा। तो आज आ जाओ गोदेलिया का आप लोग को टूर कराता हूँ, और गोदेलिया से हम लोग चलेंगे दशाश्वमेध घाट पे। आज की वीडियो में दशाश्वमेध का भी नज़ारा हम लोग देखेंगे, अस्सी घाट का कैंसिल मारते हैं ठीक है, अस्सी घाट फिर कभी चलेंगे दिन में। बट ये जो लोकेशन आप मेरे पीछे उसे देख रहे हो या आगे देख रहे हो सब लोग, ये टोटल गोदेलिया का है। आप लोग वीडियो में बने रहो, आगे दिखाऊंगा आपको गोदेलिया चौराहा भी आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे वीडियोस में रील्स वगैरह में, तो आज आपको रियल में मैं दिखाऊंगा चलो एक्चुअली में गोदेलिया चौराहा दिखने में कैसा लगता है। और आप लोग को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाना होगा तो वहाँ से जाने का रास्ता है वो भी मैं बता दूंगा, और अगर आप घाट पर जाना चाहते हो दशाश्वमेध घाट पे तो वहाँ से जाने का रास्ता कौन सा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लगभग लोग घूमने के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहना ठीक है चलो। भाई साहब देखो फाइनली हम लोग आ गए गोदेलिया चौक पे, और ये सामने आपको जो दिख रहा है वो जो नंदी भगवान जी का बनाया हुआ है ऊँचाई पे, वो गोदेलिया चौक का मेन लोकेशन है। और देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है भाई साहब, बहुत हमेशा भीड़ रहती है भाई साहब, चौबीसों घंटे बारह महीने यहाँ पे भीड़ रहती है। देखो यही गोदेलिया चौक है और यही नंदी भगवान ऊपर बैठे हुए हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कहाँ गया, वहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल 400 मीटर है ये जो रास्ता, ये चला जाएगा सीधा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे, और सामने जाओगे तो मंदिर का आप लोग दर्शन कर सकते हो। और ये जो अभी आप देखे हो ये है गोदेलिया चौक, और ये वाला जो रास्ता है ये मतलब ये इधर जाओगे तो आप लोग टेम्पल पड़ेगा, को गाड़ी बंद करो यार स्कूटी भी ऑन है तभी से। तो ये जो रास्ता ये लेके चला जाएगा आपको कॉरिडोर पे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और देखो लोग भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। और ये वाला रास्ता लेके चला जाएगा आपको दशाश्वमेध घाट पे, तो चलो अभी घाट पे चलते हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा है यार, देखो यहाँ का नज़ारा आपको। चलो आ जाओ ऐसे ही लाइव आप लोग को लेके चलता हूँ दशाश्वमेध घाट पे। इधर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, स्कूटी चलाना भी मुश्किल हो जाता है यार क्योंकि ये मेन मार्केट है ना, जितना ज़्यादा लोग अस्सी घाट पे नहीं दिखेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पे दिखेंगे लोग। वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि पूरे बनारस के 50% जितने भी लोग हैं वो सारे लोग यहीं पे दिखेंगे आपको, इधर उधर बहुत कम लोग दिखते हैं, बट यहाँ पे भाई साहब देखो चारों तरफ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ देखोगे आप लोग ही लोग हैं, और एकदम मार्केट भी लगता है पूरे बनारस में। अगर कोई भी सामान आप पूछिए सबसे सस्ती तो आप लोग गोदेलिया चौराहा चले आओ, और यहाँ पर हर चीज़ का मार्केट लगा होता है, आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ बहुत ही किफ़ायती दाम पे, और पूरे बनारस में सबसे सस्ता यहाँ पे आपको सामान मिलेगा। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सामान करने के लिए, कोई भी सामान हो आपके कपड़े से रिलेटेड हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कुछ भी सामान हो लेडीज़ का हो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको बहुत कम पैसे में। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो आके यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, देख ही रहे हो आप लोग कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। और ये जो गोदेलिया चौक है ना, मुझे लगता है कि इसकी जो बनावटी है यहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ ये चीज़ें ऐसी ही हैं कभी बदली नहीं है।
तो ये कहा जा सकता है कि ये जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा पहले का बसे हुए हैं लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से ही। आप लोग वीडियो में बने रहो, बस घाट थोड़ा सा आ गई है, आप लोग को दिखाते हैं, घाट भी ले चलते हैं। भैया साइड हो जा साइड, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, देख रहे हो स्कूटी में यही फ़ायदा तो है, गियर और लगाने की झंझट नहीं होती है, एक्सीलेटर पकड़े रहो चुपचाप और चलते रहो चलते रहो। देखो यहाँ का लोकेशन, अरे यार भैया लड़ गया होता अब तक तो। मैं भी बहुत रिस्क लेता हूँ यार, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी। देखो एक ये वाला रास्ता भी ले जाए घाट पे आपको, लेकिन इस रास्ते से मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं आप लोग को सामने वाले रास्ते से लेके चलता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखो दशाश्वमेध भवन भी, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन वगैरह भी, मेट्रो सॉरी यार पता नहीं, बनारस में मेट्रो तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं उतना घुमा भी नहीं हूँ। और ये यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा सा रुको बाइक वाइक साइड में कहीं देख के मैं खड़ा कर लेता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी पार्क कर दिया हूँ और स्पेस है आने जाने के लिए लोगों के लिए, चलो आ जाओ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ का ये चीज़ दिखाता हूँ, पेंटिंग जो बनी हुई है, सब कुछ लाइव मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, वीडियो कहीं कट नहीं करूँगा, जैसे जैसे मैं देखूँगा वैसे वैसे आपको भी दिखाता रहूँगा। ये सब काम वगैरह बहुत ज़्यादा दिन से यहाँ पे चल रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ नीचे क्या है भाई साहब, ये नीचे अंडरग्राउंड में कुछ बनाया गया है, और यहाँ पे ये लिफ्ट विफ्ट लगी है, ऊपर चले जाओगे आप, अंदर तो मैं कभी गया नहीं हूँ। और सामने ये खूबसूरत सा देखोगे आप, महादेव जी हैं और यहाँ पे उनके घोड़े बने हुए हैं, यहाँ पे नंदी भगवान जी हैं, ऐसे आरती करते हुए कुछ बनाया गया है। ये दशाश्वमेध घाट का मेन लोकेशन है, आप लोगों ने बहुत सारे रील्स वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे लोग मतलब ये दिखाते हैं रील्स में दशाश्वमेध घाट का, तो एक्चुअली में आप देख लो लाइव यही वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ का कुछ लोकेशन है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, M2U2M UD UPI 2 मुंबई वेज रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट होगा मुंबई का, और पढ़ के तो मैं इतना ही नहीं बता सकता हूँ यार कि हाँ कोई रेस्टोरेंट होगा, ऐसे जब जाऊँगा अंदर तब तो पता लगेगा। चलो आ जाओ अब घाट के साइड में चलते हैं। वैसे यहीं से मुझे दिखाई दे रहा है कि पानी का जो स्तर है ना वो कम हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आ जाओ देखो सामने से नज़ारा दिख रहा होगा आप लोग को। आप लोग को पता है मैं क्यों यहाँ नहीं आता हूँ, यहाँ पे देखो बैठने वाली जगह तो मिल जाएगी बैठने वाली, बट जो मुझे चाहिए ना मेरे अकॉर्डिंग शांति सुकून वाली जगह वो नहीं मिलेगी यार यहाँ पे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्राउड ही आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे सब लोग स्नान स्नान कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ, वैसे गंगा जी में जो काम किया जाता है वही लोग यहाँ पे करने आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा गंगा जी में नहाते हैं लोग, अगर किसी की डेथ होती है तो वो भाई दाह संस्कार करते हैं, या फिर जो हड्डी क्या बोलते हैं उसको राख वाख होता है वो सब दहलाने के लिए लेके आते हैं। और यहाँ का लोकेशन देखो आप लोग, सब लोग बैठे हुए हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि जब मैं आया था इस टाइम मतलब मैं जब पहली बार आया था ना तो पानी बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ तक, मैं जहाँ तक सूज है ना यहाँ तक पानी आ गया था, अभी भी देखो ज़्यादा नीचे नहीं है थोड़ा सा ऊपर पर है, बट पानी पूरा भर गया था, कोई आ जा नहीं पा रहा था यहाँ से। अब लग रहा है कि पूरा घाट खुल गया है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि। ना है भाई, देखो भाई साहब यहाँ का सिस्टम, यहाँ पे कितनी ज़्यादा नाए हैं देख रहे हो, ये सब बंद पड़ी है, शाम के टाइम में सब लेके निकल जाते हैं आरती के टाइम, मतलब उस टाइम शाम के टाइम में बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं ना यहाँ पे आरती वरती देखने के लिए और थोड़ा सा वोटिंग करने के लिए, क्योंकि गंगा जी में वोटिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वैसे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, तो शाम के टाइम में ये सब आप लोग को इतना खाली नहीं दिखेगा, सारी जो बोट्स है वो बुक हो चुकी होंगी और सभी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। देखो इधर से ये घाट अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला हुआ है क्योंकि सीढ़ियों पे पूरा मिट्टी जमी हुई है, इधर जाने का जो रास्ता है ना लोग पहले ऐसे ही जाते थे सीढ़ी से होते 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 पूरा घाट घूम लेते थे, लेकिन अभी भी रास्ता बंद है, फिर भी घूमने वाले लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इधर देखो वैसे ये व्यू बहुत प्यारा दिखता है यहाँ से ना, बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। तो देखो यही मेरा मेन रीज़न है कि मैं इधर बहुत कम आता हूँ, आप लोग को स्टार्टिंग में भी बता दिया हूँ और अभी भी बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर जगह देखोगे शांति नहीं मिलेगी आप लोग को, चहल पहल हमेशा लगी रहती है, कहीं भी चले जाओ हर जगह कोई ना कोई बैठा ही रहता है। और अस्सी घाट में बहुत सारा सिस्टम है, सिस्टम ये कि वहाँ पे जगह खाली मिलती है कि इंसान आराम से सुकून से बैठ जाए। देखो मेरे पीछे, मैं क्या सोच रहा हूँ अपने थंबनेल के लिए एक फोटो ले लूँ यहीं से, ठीक है, और यही वाली फोटो मैं इस वाले वीडियो में थंबनेल लगाऊंगा, ठीक है। आप लोग भी सोचोगे कि मैं सारी चीज़ें क्या करता रहता हूँ, रुक जाओ मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाली फ़ोटो देख के आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे। फ़ोटो सही आ रही है, फ़ोटो क्लियर नहीं आई है, सही नहीं आई है,
फ्रंट कैमरे से सही नहीं आती, कोई फोटो क्लिक करने वाला होता तो सही आती, बट कोई नहीं, अभी धूप लग रही है मेरे को। झंडा बहुत प्यारा लग रहा है ना, देखो इधर सब लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं, अपनी अपनी सब सबका काम है यार, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है। बताओ, मैं घर पे सोया हुआ था, सोया नहीं था, मैं भी अपना काम ही कर रहा था घर पे, बट देखो रूम में क्या होता है और बाहर निकलने के बाद दुनिया कैसे चलती है, ये सब सोचता हूँ कभी कभी, तो बड़ा लॉन्ग सोचते सोचते मैं चला जाता हूँ, बहुत डीपली चला जाता हूँ। चलो, मेरा कैमरा भी हीट हो रहा है लगातार, मैं 10 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैमरा भी हीट होने लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, देखता हूँ क्या करना है। चलो आ जाओ, थोड़ा बहुत और घूमते हैं। और पता है, मैं यहाँ पे रुका हूँ तो मुझे पता लगा कि मतलब इतना ज़्यादा क्राउड क्यों है और लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो है पितरपक चल रहा है। पितरपक में ये होता है कि जिसके पापा वगैरह या फिर बड़े लोग घर के गुजर जाते हैं, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी जो चीज़ें होती हैं, बाल बाल मुड़वाना या फिर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना, तो इसलिए ये जो घाट है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इन सब चीज़ों के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और देखिए वो सर कपार पर छिलवा रखे हैं, इधर भी देखो बहुत सारे लोग हैं, सर और अपना मुड़वा रखे हैं। तो मेन चीज़ है पितरपक चल रहा है, इसलिए इतने ज़्यादा भीड़ है और लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, और जो भी सारी चीज़ें होती हैं अपना मन्नत वगैरह पूजा पाठ जो भी समय लगा रहता है, देखो आप लोग इधर। और अभी हम आ गए हैं आप लोग से बात करते करते दशाश्वमेध घाट पे, देखो यहाँ पे लिखा होगा, पता नहीं यार आप लोग को दिखता होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत वाइड एंगल पे शूट, वाइड ज़्यादा नहीं, लीनियर पे मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो दिखना चाहिए आप लोग को। देखो यहाँ पे दशाश्वमेध घाट लिखा हुआ है, और ये जो घाट है दशाश्वमेध घाट है। आओ, कुछ लोग नहा रहे हैं, पानी में थोड़ा सा मजा लिया जाए। तो देखो भैया सभी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या चीज़ बनी हुई है, मिट्टी का, जो मिट्टी का कुछ बना हुआ है, देखो पतलो उतलो रखा हुआ है, कुछ होगा पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, सिस्टम चल रहा होगा। इसका स्टीमर लेगा 15-2000 रुपए भैया, वही रेट ही हो गया ऐसे में, शाम को अगर आधी खाली दिखा रही है 1000 रुपए ले रहे हैं, अरे महंगा यार 2000-1500 ले रहे। रुक जाओ, अभी कुछ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा साइड में आने दो, फिर मैं खुल के आप लोग से बात करूँगा ना। देखो यहाँ पे कोई वो जो थे ना, जो बात कर रहे थे 1500 की, वो यहाँ पे आए थे पूजा कराने के लिए, तो जो यहाँ के पंडित जी लोग हैं वो कह रहे थे कि आप चलिए पूजा हो गया, आप गंगा जी का टूर करके आइए, मैंने गंगा जी में पानी वानी जो भी गिराना होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी फूल वगैरह उसको गिरा के आइए और पूरा घूम के आइए, तो कह रहे हैं सब कि 2000। तो कह रहे थे कि पूरा घाट घूम के आइए, 2000 रुपये आपको भाड़ा किराया लगेगा केवल बोट का। तो वो बेचारा आया था पूजा करने के लिए, कह रहा कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, एक दो घाट घूमने की बात होती तो मैं 200-400 रुपये दे के घूम भी लेता, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से आइए, फिर ऐसे करिए, तो वही मैं वहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था। तो ये चीज़ें गलत ना है यार, पूजा पाठ कर रहे हो तो इंसान ये बीस ये क्या कि 2000 रुपये दीजिए और ना ऊपर जाइए घूम के आइए, ये कौन सा पूजा हुआ, आप लोग भी बताना ये कोई तरीका है ये सब करने का। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ऐसे कर रहे हैं फर्जी का बिना मतलब का, इन लोग का भी सीजन चल रहा है ना, पितरपक चल रहा है, तो सारे लोग आएंगे पूजा पाठ कराने के लिए, तो सोच रहे हैं झीट ले जितना झीटना है, वैसे भी गंगा जी का पानी वानी सब अस्तर बढ़ गया था, तो घाट कोई सिस्टम होता नहीं था, सब लोग का काम चौपटी था, लेकिन पूजा के नाम पे सब लोग लूट रहे हैं, धूप लग रही है बहुत ज़्यादा यार। चलो मैं सोच रहा हूँ कहीं छाया मुझे मिले तो मैं कहीं बैठूँ आराम से, आधे घंटे बैठूंगा फिर निकल जाऊंगा घर, क्योंकि शाम को 5 बजे भैया को स्कूटी भी देनी है, सारी चीज़ें मेरे माइंड में याद है ना, और बाल वाल कटवा लिया हूँ, बाल वाल कटवाने के बाद थोड़ा सा तेल लगा लिया हूँ, तेल इसलिए लगा लिया हूँ कि रूसी बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे सर में, तो तेल लगाने से रूसी नहीं होती है, ये चीज़ आप लोग को भी पता होनी चाहिए, आप लोग को मैं बता दूँ, अगर रूसी वूसी हो रही है तेल सर में तो तेल लगा लोगे, 2-4 पानी लगातार लगाओगे रूसी सारी खत्म हो जाएगी, तो आप लोग भी लगा लोगे सही हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल लगाया हूँ तो अजीब सा लग रहा होगा बाल मेरा, बट बाल पे फोकस आप लोग नहीं करो, मेरे काम पे फोकस करो आप लोग, है ना। चलो यहाँ का नज़ारा देखो, सभी लोग घूम रहे हैं धूप में, बोट का मज़ा ले रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ धूप में, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाऊँ कहीं छाँव में, छाँव में बैठूंगा आधे घंटे, थोड़ा सा फ़ोन उन्हें यूज़ करूँगा, और देख रहा हूँ वो जो वीडियो मैं अपलोड पे लगा के छोड़ के आया था, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि वो वीडियो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, कंप्लीट हो गया होगा तो लैपटॉप भी चार्ज में लगा हुआ है, मम्मी से फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारा मैं काम कर लेता हूँ फिर मैं आप लोग को ज्वाइन करता हूँ, चलो।
तो यार देखो एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मैं अपलोड कर रहा था वीडियो ना, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। अभी टाइम हम बता रहे हैं आपको 3:30 बजने वाला है, तो यार 4 बजे ब्लॉग भी अपलोड करता हूँ। तो मैं वहाँ से चला आया ना, 35% वो अपलोड हुआ था, फिर सोचा कि अपने आप हो जाएगा, तो हो ही नहीं पाया। मम्मी से फ़ोन करके बोल दिया लैपटॉप बंद करने के लिए। तो भाई साहब देखो मैं आ गया हूँ अभी घर पे, और टाइम 3:25 हो रहा है हर फटाक से। अभी देखो वीडियो अपलोड ही हो रही थी, यहाँ पे आया हूँ तुरंत लैपटॉप ऑन किया हूँ। देखो अब यहाँ पे वीडियो मतलब अब अपलोड हो रही है, 4K में दिखा रहा है कि 4K में अब एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो चलो फटाक से इसका मुझे काम करना है, और अब इसका थंबनेल बनाना है, टाइम नहीं मेरे पास थंबनेल बनाना है, और वीडियो को पब्लिश भी करना है, उसमें टैग्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइटल भी डालना है, सब कुछ करना है। तो मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट अपना काम कर लेने। तो अभी मैं ये बताने के लिए बोला हूँ कि मैं आ गया हूँ घर पे, और सब कुछ जल्दी जल्दी मंगवाया है, मैं बता नहीं पाया हूँ। वहाँ से मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी से बोला कि मम्मी लैपटॉप ऑन कर दीजिए, मतलब क्योंकि 96% पैक के रुक गया था लैपटॉप मेरा, बंद हो गया था। तो फिर मैं आया हूँ घर पर, उसको चार्ज में लगाया हूँ, ऑन किया हूँ, तो फिर जाके अपलोड हुआ है अभी। तो फिर उसको पब्लिक भी करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। बाकी आप लोग को वीडियोस में कैसी लगी है, मतलब वहाँ गए थे हम लोग घाट पे घूमे हैं, तो वहाँ आप लोग को कैसा लगा है वो तब तक आप लोग कमेंट में करिए फटाक से, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो कमेंट भी करना ज़रूरी है, आप लोग वीडियो में देखते हो तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिए, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये क्या चीज़ मैं खा रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ। ये जो मैं खा रहा हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, बट आप लोग को कमेंट करना होगा। देख लो एक बार फिर से। तो भाई साहब मैं दशाश्वमेध घाट घूमने के बाद आया, और फिर खाना वाना खाया, मैं सूट नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। और खाना वाना खाने के बाद मैं सो गया यार, रात को बहुत अच्छी नींद आई है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, आज अगला दिन है, बट मैं ये वाली वीडियो उसी वाले वीडियो में ऐड करके आप लोग को बता दूंगा कि आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल वाले मतलब वीडियो में आप लोग से मिलूंगा, और एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करेंगे। आज आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे दशाश्वमेध घाट घूम के आप लोग को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा मुझे। और अभी मैं लैपटॉप ऑन कर लिया हूँ अपना, यहाँ पे काम वाम करूँगा एडिटिंग का, तो सोचा कि आप लोग को बता दूं। कल रात को मैं सो गया था, अचानक से मुझे नींद आ गई थी, तो इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम में आप लोग से इजाज़त चाहता हूं कि इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देते हैं, दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो बाय।